अच्छा, आप तो क्रिकेट नहीं देखती, आपने बता दिया, लेकिन क्या आपकी बेटी क्रिकेट देखती है? क्या वो अपने पिता को टीवी पर देखती है मैच खेलते हुए? हमारे घर में टीवी बहुत कम चलता है, कभी कभी बेबो के जिद के वजह से अगर हमने टीवी चलाया भी तो वो सिर्फ कार्टून ही देखती है, कार्टून में ही उसको इंटरेस्ट है, जो सारे बच्चों को होता है। लेकिन क्रिकेट, मैं, बेबो और हमारे बच्चे, तो हमें किसी को भी क्रिकेट का कोई शौक नहीं है, तो क्रिकेट हमारी नहीं, मैं टीवी अपने में उनके चलती भी पिता नहीं, के तो लिए, देखते भी शमी नहीं। शमी के लिए, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है विवाद नहीं सबके नहीं वही, सामने ही है। हाँ तो वही तो बता रही हूँ मैं, जब होता ही नहीं है तो चल, मतलब वो भी नहीं देखती और उसे भी कोई शौक नहीं है। ऐसे भी मैं बीच बीच में से पूछते भी रहती हूँ कि तुम्हें और भी तो कुछ पढ़ाई के अलावा करना पड़ेगा, खाली पढ़ाई और डांस करती हो, अगर कोई गेम में भी इंटरेस्ट हो तो बताओ, तुम क्या क्रिकेट को प्रैक्टिस करोगी? सीधा बोलती है, नहीं मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है मामा। क्या कभी वो अपने पिता के बारे में आपसे बातचीत करती है, कुछ पूछती है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत जब शुरू शुरू में परेशानी हुई थी। और क्या सोसाइटी में जो साथ के बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी, आपको भी पता है कि बच्चे हैं, कॉम्प्लेक्स भी होता है, और शमी आपके बीच में विवाद है, लेकिन अब देश इंडियन क्रिकेटर है, और इंडियन क्रिकेटर का जो ग्लैमर होता है वो हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया उनको जानती है, बच्चे भी जानते हैं, तो क्या साथी बच्चों के साथ भी वो अब कंफर्टेबल है, या शुरुआत में कुछ लगा था कि नहीं, बच्चे भी उनसे कुछ पूछते थे और वो थोड़ा सा सहम जाती थी या डर जाती थी? ये चीजें शुरू शुरू में फेस करती थी वो, लेकिन अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, मतलब वो समझदार भी काफी है, तो अब ये सब प्रॉब्लम उसे नहीं होता। अच्छा, वर्ल्ड कप आप देख तो नहीं रहे, आप क्रिकेट भी नहीं देखती हैं, लेकिन क्रिकेट से आपका नाता रहा है, क्रिकेटर से आपका नाता रहा है, इन जो एक टीम खेल रही है उनके खिलाड़ियों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ आपने बहुत समय बिताया है, वर्ल्ड कप जीतते हुए देख रही हैं आप, क्योंकि 7 मैच हुए हैं, 7 के 7 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने जीता था, क्या दिल कह रहा है कि इस बार 2023 में वो कारनामा हो पाएगा? देखिए, जब हम एक भारतीय हैं तो हर एक भारतीय नागरिक का ही ख्वाहिश होती है कि हमारा हर एक गेम में हमारा जो प्लेयर्स है बेस्ट परफॉर्मेंस दे और बेस्ट करे और इतिहास बनाए, तो उस हिसाब से एक भारतीय होने के नाते जरूर मैं चाहूंगी कि इंडियन क्रिकेट टीम जरूर जीते और बहुत अच्छे तरीके से जीते और इतिहास बनाए। बिल्कुल, और अब मोहम्मद शमी, आप चाहें तो ये सवाल इग्नोर भी कर सकती है, मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 14 विकेट लिए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पिछले में भी बना दिए हैं, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भी बहुत सारे बना दिए हैं, एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप कुछ कहना चाहेंगी, इस पे कमेंट करना चाहेंगी, मतलब पतियों पत्नी अगर वो रिलेशन अगर अभी हटा दें तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, इसलिए क्रिकेटर्स का भी नहीं फैन हूँ और ना क्रिकेट फैन हूँ, और कितने विकेट लिए, क्या लिए, ये सब मेरे समझ के पड़े हैं, मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। और कुछ भी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेलेगा, टीम में बना रहेगा, अच्छा कमाएगा, तो हमारी भविष्य सिक्योर होगी, तो इससे अच्छी बात क्या है। अच्छा, बेस्ट विशेष तो आप दे ही सकती हैं उनको, मतलब टीम इंडिया को, उनको ऑब्वियसली बेस्ट विशेष। मैं टीम इंडिया को बेस्ट विशेस जरूर दूंगी, लेकिन उसे नहीं दूंगी। बिल्कुल, और अब थोड़ा सा आपकी मतलब पर्सनल जिंदगी के बारे में मैं दोबारा पे आना चाहूंगा, अभी जैसे आप मॉडलिंग में भी बीच में आई थी कि आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, कुछ ने कहा कि शायद कुछ गानों की शूटिंग भी कर रही हैं, तो अभी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है अभी? प्रोफेशनल कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही काफी सालों तक मैं इंडस्ट्री में रही हूँ, तो कभी भी हम, मतलब जो जानने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, तो उन्हीं लोगों से अपना, चलो शूट करते हैं तो चलो शूट करते हैं, बस यही, प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रही मतलब अभी। प्रोफेशनली अभी आप बिल्कुल दूर हैं, ग्लैमरस जिंदगी से बिल्कुल दूर हैं।